हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसजीपीजीआई लखनऊ के द्वारा जो 2000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका था और उसका सबसे पहले वीडियो केवल और केवल ब्रेंड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिला था। साथियों, आज उसकी दूसरी और तीसरी दो अपडेट साथियों आज की सबसे पहले आपको एक बार फिर ब्रेंड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जा रही है। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही और जानकारी आपको मिल सके। देखिए साथियों, ऑनलाइन जो आवेदन है आपको बता दें कि वो शुरू हो चुके हैं। 10 फरवरी 2023 आज दोपहर बाद से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, तो अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मौका मिल चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है और साथ ही साथ साथियों को बताएंगे कि एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसके अलावा जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर अपडेट आया है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, आपको ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन करना होगा और ये जो वो कैटेगरी वाइज पोस्ट रखी गई हैं वो साथियों इस प्रकार हैं। आपकी एससी के लिए 415 थी, एसटी के लिए 39 है, ओबीसी के लिए 533 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 197 है, जनरल के लिए 790 है। तो टोटल साथियों 1974 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब चलिए साथियों आपको साइट पर लेकर चलते हैं जहां पर एग्जाम डेट आपको बताने वाले हैं और सिलेबस के बारे में अपडेट देने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है इसकी भी हम बात आपको बताने वाले हैं। लेकिन साथियों, वीडियो को शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए साथियों, ताकि अपडेट आपको इसी प्रकार लगातार सही और सटीक मिलती रहे। इसके लिए साथियों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपका ब्राउज़र है, सर्च ब्राउज़र को आप ऐसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर सर्च करना है एसजीपीजीआई। जैसे ही साथियों आप एसजीपीजीआई यहां पर सर्च करेंगे, आपको इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद साथियों आपको जो रिक्रूटमेंट नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों आप इस रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है। इसके बाद साथियों आपको करना क्या होगा, इसको नीचे साथियों स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्टाफ नर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें ऑनलाइन जो फॉर्म आपके मतलब अप्लाई जो ऑनलाइन है वो एक्टिवेट हो चुके हैं 10 फरवरी 2023। ऊपर ही ऊपर जो पहला अपडेट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें डाउनलोड इंग्लिश और डाउनलोड हिंदी ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे साथियों आप देख पा रहे हैं सही और सटीक जानकारी। साथियों बिल्कुल साइट से हम इसको कन्फर्म कर रहे हैं, कोई फेक कंटेंट हमारे द्वारा आपको बताया नहीं जा रहा है। हमारे चैनल के द्वारा साथियों कोई भी बातें हवा में नहीं की जाती हैं। अब चलिए साथियों आपको एग्ज़ाम डेट की अपडेट दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नियर डेट दी गई है। तैयारी के लिए काफ़ी कम टाइम यहां पर दिया गया है एसजीपीजीआई के द्वारा, क्योंकि एक तो साथियों ये बड़ी वैकेंसी, उन सभी को इसी के द्वारा फिल किया जाना है। तो साथियों अप्लाई ऑनलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए साथियों, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी से। आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद साथियों हम अभी आपको दिखाने भी वाले हैं, 1 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। तो मतलब यहाँ पर आपको केवल और केवल 17 से 18 दिन दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जो कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी अभी उसमें भी इतना ही साथियों 17-18 दिन का टाइम मिला था। तो काफ़ी कम टाइम यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा साथियों आपको अब एग्ज़ाम डेट भी देख लीजिए आप, एग्ज़ाम डेट साथियों यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, 22 मार्च 2023 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड साथियों 14 या 15 मार्च के बाद कभी भी जारी कर दिए जाएंगे। अब देखिए साथियों आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप न्यू यूज़र रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। जैसे ही ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होगा और आपको जो डिटेल यहाँ पर मांगी जाएंगी वो सभी साथियों यहाँ पर आपको क्या करनी है, फिलअप कर देनी है। इसको आप जैसे ही क्लोज करोगे साथियों, तो क्लोज करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का साथियों इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, आपका नाम क्या, मिडिल नाम क्या है, तो सारी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपके मोबाइल नंबर क्या, आपके मोबाइल नंबर कन्फर्म करने है, ईमेल आईडी कन्फर्म करनी है। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल आगे भर देनी है। धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सिलेबस देखिए साथियों, अभी आपको बता दें कि सिलेबस है वो अभी साइट पर जारी नहीं किया गया है। तो जैसे ही सिलेबस आज शाम को ही जारी हो जाएगा या फिर 1-2 दिन में सिलेबस जारी होता है, तो उसका भी अपडेट हम आपको सबसे पहले देने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।